सो हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत करता हूँ आपके अपने यूट्यूब चैनल के ऊपर। सो फ्रेंड्स, आज अपन जिस टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं वो है मार्केट एनालिसिस वीडियो। काफ़ी समय से इस चैनल के ऊपर, दोनों ही चैनल के ऊपर अपलोड नहीं हुई है, तो मैंने सोचा अब वापस से चालू करते हैं आज से। सो फ्रेंड्स, जिस तरह से आपके लिए कोई भी इम्पोर्टेंट लेवल्स होता है मेरे द्वारा, तो मैं आपको वो डेली मार्केट एनालिसिस के माध्यम से आप तक प्रोवाइड करूँगा, तो मेरी बात सुनिएगा। अपन इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ चार्ट ही एनालिसिस नहीं करेंगे इस वीडियो के अंदर, ये चार्ट ही एनालिसिस नहीं करेंगे अपन। इस चार्ट के अलावा ऑप्शंस जो डाटा होता है पर डे का, जो आज बीत गया है दिन, जो आज पूरे दिन में हुआ है, जो सेलर्स ने बायर्स ने जो किया है उसको अपन देखेंगे। इसके अंदर आपका ओआई एनालिसिस अपन करेंगे, जो ओआई एनालिसिस होता है एंड चेंज इन ओआई एनालिसिस अपन करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को पूरी देखेगा तभी आपको जाके पूरा समझ आएगा कि आपको क्या व्यू बनाना है मार्केट के अंदर और किस साइड आपको बायस्ड होना है या किस साइड आपको जाना है, कुल मिला के बुलिश होना है बेरिश होना है। तो आइए दोस्तों, मैं पूरा आपको डिटेल में समझाता हूँ। ये आपके सामने मैंने निफ्टी 50 का चार्ट ओपन कर रखा है, इसके बाद बैंक निफ्टी के ऊपर चर्चा करेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि जो जो मैंने आपको आज टेलीग्राम के अंदर लेवल दिए थे एक्यूरेट, उन लेवल्स का ब्रेकआउट हुआ, ब्रेकडाउन हुआ, देन जैसा भी अपना टारगेट था फर्स्ट एंड सेकंड दोनों अचीव हुए हैं। शायद आपने टेलीग्राम नहीं ज्वाइन कर रखा तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से ज्वाइन कर ले आप। ठीक है, अब आपके लिए नेक्स्ट डे के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला ये जो जोन मैंने मार्क किया यहाँ का, ये जोन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो जोन मैंने आपके लिए मार्क किया ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जोन की रेंज क्या है, तो इस जोन की रेंज है 21,570 से 21,500 वाली, यह 70 पॉइंट की रेंज है। हाँ, यह पहले रेंज थोड़ी कम थी, 21,520 की रेंज थी, क्या थी, 20 की रेंज थी, बट आज के दिन में ये लो नया लग गया है इसलिए रेंज यहाँ पर शिफ्ट हो गई है 20 से। ठीक है, पहले ये 20 था, 21,520 का रेंज था, बट आज जो लो लगा ना उस कारण से ये शिफ्ट हो गया नीचे की साइड। तो आपके लिए अभी ये एक अच्छा हर्डल के रूप में काम कर सकता है लेवल। यदि 21,570 के ऊपर, 21,570 के ऊपर आपको वापस से 15 मिनट का कैंडल यदि क्लोज मिलता है और उसका हाई ब्रेक होता है, तो एक आपको अच्छा खासा बुलिश मूवमेंट देखने को मिल सकता है। अब आप पूछोगे सर ये कहाँ तक का मिल सकता है, तो ये भी आप सुन लें जो मेरा एनालिसिस है और जो मेरा व्यू है। सबसे पहला ये एक छोटा सा हर्डल है, इसको पार कर गया ना ये वाला, ये जो हर्डल है ये यहाँ तक का रहेगा आपका, ये रेंज रहेगी 21,660 के आसपास की रेंज है। ठीक है, ये हर्डल यहाँ तक आपको एक रेजिस्टेंस दिखेगा छोटा सा, ये रेजिस्टेंस ब्रेक होगा आपको दिखेगा 21,725 और 21,750, ये एक छोटा सा जोन यहाँ पर है। ठीक है, यहाँ तक के लिए आप बुलिश, यदि इस तरह का जो मैंने सिनारियो बताया इस तरह का क्रिएट होता है तो आप यहाँ तक के लिए देख सकते हैं। देन ऐसा नहीं होता है, बिल्कुल ऐसा नहीं होता है और यहाँ से मार्केट बेरिश होता है तो ये नीचे वाला लेवल, ये 21,500 का लेवल यदि ब्रेक डाउन होता है, सबसे पहले 15 मिनट का कैंडल क्लोज होने का अपने को इंतजार करना है, उसका लो ब्रेक होने का अपने को वेट करना है। जैसे ही लो ब्रेक हो अपने को पोजिशन बनानी है पेपर ट्रेड के अंदर, ऐसा नहीं कि आप रियल ट्रेड करें इन लेवल्स पर। ठीक है, तो जैसे ब्रेक होगा आपको नीचे के लिए जो लेवल दिखेंगे वो दिखेंगे इस वाले जोन के आसपास, ये जोन है 21,395 एंड नीचे का लेवल है 21,340, ये वाला ये जोन रहेगा आपके लिए एक और नीचे का सपोर्ट एरिया। यहाँ तक आपको यदि मॉर्निंग में यहाँ से निकलता है तो मार्केट यहाँ तक, या जब भी निकलता है इस तरह का सीन क्रिएट करता है यहाँ तक और इस लेवल को ब्रेक करता है, इस जोन को मार्केट निकालता है, इस जोन को मार्केट पूरा करके इस जोन के बाहर के साइड निकलता है, तो नीचे के लिए जो लेवल बन रहे हैं आपके लिए 21,280, 21,280 एंड 21,240, ये एक और जोन आपके लिए रहेगा नीचे का। यहाँ तक के आपको टारगेट देखने को मिल सकते हैं नीचे के लिए। फिर लास्ट ये आपके लिए कल का एनालिसिस रहेगा निफ्टी के लिए खासकर। तो आई होप आपको लेवल समझ में आ गए होंगे कौन कौन से लेवल आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, कौन कौन से लेवल आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये आपको समझ में आ गया। ये तो हो गया चार्ट के ऊपर, बट एक और चीज़ है कि यहाँ पर फेब भी आप यदि फेबोनाची का आप यूज़ करते हैं तो वो आपके लिए एक छोटी सी भूमिका और निभाई कि यहाँ से जो प्रीवियस स्विंग से जो प्रीवियस हाई है
तो उसका जो 60% का एरिया आ रहा है उस जोन का, मतलब उस फेबोनाची का, ये लो है ये हाई अपन ने मार्क कर लिया, तो यहाँ से मार्केट ये बुलिश हुआ यहाँ तक। देन उसके बाद यदि 60% का रिट्रेसमेंट आता है तो अपने लेवल पर ही है जो मैंने आपको दिया है ये वाला, देखो इधर देखो 21,395 का लेवल मैंने आपको दिया 60% का रिट्रेसमेंट, और 70% लेता है तो अपना 21,280 वाला लेवल 70% का रिट्रेसमेंट रहेगा। ठीक है, तो ये फिबोनाची के टूल्स भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसके बाद चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको एक और बोली थी कि इसके अंदर अपन ओवाई एनालिसिस भी करेंगे, तो उससे पहले ये सारे लेवल्स आप भी अपने चार्ट के ऊपर मार्क कर लें एक अलग चार्ट के ऊपर, और आप खुद का एनालिसिस भी साथ में रखें जिससे आपको एनालिसिस सुधारने में और परफेक्ट एनालिसिस बनाने में और ज़्यादा हेल्प मिल सकती है। आइए बात करते हैं, मैंने आपको जैसा बोला था कि मैं आपके साथ ओवाई एनालिसिस भी करूंगा इस वीडियो के अंदर, और उससे आपको डबल कंफर्मेशन डबल सपोर्ट मिल सकता है कहीं ना कहीं अपने एनालिसिस के अंदर, तो ये लीजिएगा वो भी आपके सामने है। अब आप सभी पूछोगे कि सर हम ये कहाँ देख सकते हैं, तो सबसे पहले आप इसको देख सकते हैं सेंसिबल की वेबसाइट पर, ये आपके सामने रहा है सेंसिबल का वेबसाइट, एंड फ्री ऑफ कॉस्ट, कोई चार्जेस नहीं है इसका, फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई चार्जेस नहीं है। ठीक है, तो आप अपना लॉगिन करके आप इसको देख सकते हैं। तो इसके अंदर आप अपन देखेंगे सबसे पहले चेंज इन ओवाई और ओवाई। ठीक है, तो पहले ओवाई से शुरुआत करते हैं, ये देखिएगा ओपन इंटरेस्ट जिसको अपन बोलते हैं ओवाई, ये ओपन इंटरेस्ट 1 फरवरी की जो एक्सपायरी है उस कॉन्ट्रैक्ट का अपन ओपन इंटरेस्ट देख रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ नीचे आइएगा, तो आपको शायद देखना नहीं आता होगा, मैं ऐसा समझता हूँ, तो मैं थोड़ा आपको डिटेल में बता दूंगा, ये तो आपको ज़्यादा हेल्प मिलेगी। देखिएगा, आपको पता है जब भी अपन ओवाई डाटा की बात करते हैं तो अपन इसको सेलर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं, राइटर्स के पर्सपेक्टिव से देखते हैं मार्केट को। ठीक है, तो ये जितने भी ग्रीन ग्रीन आपको दिख रहे हैं, ये ग्रीन ग्रीन और ये रेड रेड, तो ये जो ग्रीन वाले हैं ना, ये सब क्या है, पुट सेलर है। क्या है, पुट सेलर, क्या है, पुट सेलर, यहां लिखा हुआ है पुट ओआई, और ये आपको रेड रेड दिख रहे हैं, ये है कॉल राइटर्स। ठीक है, तो अपन इसको राइटर्स के पर्सपेक्टिव से देख रहे हैं, तो आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अब यहां देखो 21,500 के लेवल पर आपको क्या दिख रहा है कि पुट राइटर्स ज्यादा है 21,500 के ऊपर, जहां मार्केट आज 21,500 से आपको पता हो तो छोटा सा पुल बैक लेके ऊपर आया है और 21,503 के पास क्लोजिंग दी है। यहाँ पर अच्छा खासा पुट के जो ओवाई है वो अच्छे खासे बिल्डअप करके खड़े हैं, देख रहे हो आप, तो देख सकते हैं, और जो कॉल राइटर्स हैं वो कमजोर है यहाँ पर। ठीक है, तो 21,500 अपने लिए एक अच्छा सपोर्ट का एरिया है, 21,500 के बाद डायरेक्ट आपके पास 21,400 एक अच्छा सपोर्ट दिख रहा है, और 21,300 ये अच्छे अच्छे सपोर्ट है आपके लिए मेजर मेजर। देन आप यहां से देखें कि जो कॉल राइटर्स है उन्होंने क्या किया अपने एक साथ, तो कॉल राइटर्स 500 के लेवल पे तो आधे हैं, जो कॉल राइट पुट राइटर्स के आधे हैं। हाँ, उसके बाद 21,550 के यहां पर भी कॉल राइटर्स थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं पुट राइटर्स की तुलना में, तो आप यदि देखेंगे तो 21,600 आपके लिए एक रजिस्टेंस है स्ट्रॉन्गली। क्या है, 21,600 एक स्ट्रॉन्ग रजिस्टेंस आपके दिख रहा है अभी, क्योंकि 21,600 के जो कॉल राइटर्स है वो अच्छे खासे स्ट्रॉन्गली दिख रहे हैं। 21,600 के बाद 21,650 और 21,700 अच्छे खासे लेवल पर यहाँ पर ओपन इंटरेस्ट आपको देखने को मिल सकता है, तो आपको समझ में आ गया 21,500 एक सपोर्ट है, 21,500 के बाद 21,450 और 21,400 यहाँ पर अच्छे खासे जो आपके पुट राइटर्स हैं बैठे हुए हैं। बट बात करें 21,600, 21,700, 21,650 इन पर भी बहुत स्ट्रांगली आपको दिख जाएंगे जो कॉल सेलर से जो कॉल राइटर्स हैं। ठीक है, ये तो हो गया एक पूरा ओपन इंटरेस्ट एनालिसिस, बट आज के दिन में क्या हुआ है वो अपने को पता चलेगा चेंज इन ओवाई के माध्यम से, जो चेंज इन ओवाई होते हैं ये पर्टिकुलर डेज में क्या हुआ है, तो आइए आज के दिन में क्या हुआ देखते हैं। देखिए, ये आप देख रहे हो 1 फरवरी एक्सपायरी का है, और यहाँ नीचे आप देखोगे तो यहाँ पर फुल डे 3 घंटे 2 घंटे 1 घंटे 3 30 मिनट 15 मिनट 10 मिनट 5 मिनट सभी के आपको अपडेट्स यहाँ से मिल जाएंगे। तो सबसे पहले देखिए पूरे दिन का, तो अपने को
अपन ले लेते हैं पूरे दिन में क्या हुआ सबसे पहले, कि पूरे जो आज का ट्रेडिंग सेशन था उसमें क्या हुआ है। तो आज के ट्रेडिंग सेशन में आप देखें, यहाँ से ये जो देखिए मैंने आपको अभी क्लियर भी किया है, ये रेड रेड जो है ये कॉल राइटर्स है और ये ग्रीन जो है ये पुट राइटर्स है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको स्ट्राइक प्राइस दिख रही होगी 21,550, 21,550 के ऊपर आपको कौन हावी दिख रहे हैं, कौन हावी दिख रहे हैं, रेड कलर क्या है ये देखें, कॉल राइटर्स हैं ठीक है। और ये ग्रीन जो दिख रहे हैं ये आपके पुट राइटर्स है, तो पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन खाली करी, ये नीचे के साइड ये मतलब खाली हुई है पोजीशंस, ऊपर मतलब ये यहां पर आज के दिन में कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन खड़ी करी है ठीक है। तो 21,550 और 21,500 इन दोनों लेवल पर अच्छे खासी आज के दिन में कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन बनाई है, और उसके बाद ये लेवल 21,600, 21,650, 21,600 के ऊपर अच्छी खासी जमकर आज मार्केट में जो कॉल की राइटिंग हुई है ठीक है। पुट राइटर्स बिल्कुल न के बराबर दिखे हैं, यहाँ देखिए तो आप पुट राइटर्स का कोई भी दबदबा नहीं था निफ्टी के अंदर, स्पेशली निफ्टी के अंदर आपने देखा हो तो लास्ट टाइम एक शार्प फॉल भी आया था लगभग 250 150 पॉइंट के अराउंड और 160 पॉइंट के अराउंड और एक शार्प फॉल आया था, तो वो इसी कारण से आपको देखने को मिला है ठीक है। ये तो हो गया फुल डे का, बट अपन अपने लिए जो लास्ट के इंपॉर्टेंट है वो है 30 मिनट लास्ट के और 15 मिनट। तो लास्ट के टाइम में क्या हुआ है, तो आप यहां से देखेंगे लास्ट के समय क्या हुआ। देखिए 21,550 के ऊपर जो कॉल राइटर्स ने अच्छी खासी अपनी पोजीशन बनाई है, बट जो पुट राइटर्स है जो अपने को सपोर्ट दे रहे थे वो अपनी पोजीशंस खाली करके गए हैं। यहां पर देखिए 21,500 के ऊपर, 21,500 के ऊपर भी अच्छी खासी पुट राइटर जो सपोर्ट दे रहे थे अपने को वो अपनी पोजीशन खाली करके गए, और कॉल राइटर्स जो है उन्होंने अपनी अच्छी खासी पोजीशन बनाई है लास्ट के 30 मिनट के अंदर ठीक है। उसके बाद अपन देखें लास्ट 15 मिनट के अंदर क्या हुआ, लास्ट 15 मिनट के अंदर भी कॉल राइटर्स हावी रहे और पुट राइटर्स ने अपनी पोजीशन खाली करी है। लास्ट 5 मिनट के अंदर क्या हुआ है वो देखते हैं, बिल्कुल कॉल राइटर्स का ही दबदबा रहा है, पुट राइटर्स बिल्कुल भी नहीं टिक पाए आज के मार्केट में निफ्टी के अंदर देखा जाए तो। हाँ ये बता देता हूँ, ये पूरा एक एजुकेशन है, ऐसा नहीं कि सेम जो मैं बता रहा हूँ ऐसा ही होने वाला है। आप बोलोगे सर आपने तो ऐसा बोला तो ऐसा क्यों नहीं हुआ, ये पूरा एक स्टेप शॉट है आपके लिए कि हाँ अपन इसके बेस पर एनालिसिस कर रहे हैं, अपना व्यू स्ट्रोंग बना रहे हैं ठीक है। तो आप बिल्कुल भी ऐसा ना ले कि मैं बोल रहा हूँ कि कॉल राइटर ज़्यादा है तो मार्केट पुट में ही जाएगा, मार्केट सरोवर, अपन एनालिसिस कर रहे हैं, डबल कंफर्मेशन ले रहे हैं ओआई जो होते हैं उनको और चार्ट को दोनों को मिला के ठीक है। अब आते हैं बैंक निफ्टी के ऊपर, निफ्टी अपन एनालिसिस कर लिया, बैंक निफ्टी के ऊपर देखते हैं। तो बैंक निफ्टी के लिए जो इंपॉर्टेंट लेवल्स होने वाले हैं आप यहाँ देखिए चार्ट के ऊपर, मैं आपके लिए 2 से 3 जोन में यहाँ पर आपके लगा गया हूँ। तो एक जोन ये रहा, यहाँ पर ये रेजिस्टेंस है आपके लिए, अच्छा खासा रेजिस्टेंस है 45,640 और 45,790, 45,790 और 45,640, ये एक स्ट्रॉन्गली रेजिस्टेंस जोन है आपके लिए, ये ब्रेक होता तो अच्छा खासा एक बुल मूवमेंट आपको देखने को मिल सकता है। देन डाउन साइड की बात करूं तो डाउन साइड के लिए 45,140 और 45,000 वही 55 से 50 वाली रेंज है, 45-50 वाली माने आप 45,050 की रेंज है। तो ये एक आपके लिए सपोर्ट एरिया है यहाँ पर, और ये ब्रेकडाउन होता तो नीचे के लिए आपके लिए दिख रहा है 44,680 और 44,570, ये आपके लिए नीचे के लेवल्स, ये जोन आपके लिए रहेगा। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा इसके ऊपर ट्रेड कैसे लेना है। तो 15 मिनट का ही आप कैंडल यूज करें, 15 मिनट का अपन लेवल के ऊपर क्लोज मिलता है अच्छा खासा बुलिश कैंडल और उसका हाई ब्रेक होता है, तो आप बिल्कुल पेपर ट्रेड के रूप में बुलिश साइड के लिए देख सकते हैं, नीचे क्लोज देता है ब्रेक डाउन दे 15 मिनट का कैंडल ही, तो आप बेरिश साइड के लिए देख सकते हैं पेपर ट्रेड ओनली ऑन एजुकेशनल पर्पज, कोई रियल ट्रेड आप ना लें, आप सीखने के ऊपर फोकस करें बिल्कुल, तो ये आपके लिए रहेंगे। और यदि मार्केट इसके भी ऊपर ओपन होता है तो आपके लिए क्या टारगेट बन सकते हैं, तो देखो ये स्विंग यहाँ कहीं बन रहा है तो आपके लिए 46,200 का फिर टारगेट अपर साइड का बनेगा, यहाँ से 46,200 के आसपास का, 46,220 के आसपास का यदि इसके ऊपर भी निकलता है तो ठीक है। तो ये आपका हो गया चार्ट एनालिसिस। इसके बाद इसका भी मैं आपको एक बार ओवाई दिखा देता हूँ कि इसका ओवाई क्या बोल रहा है, जरूरी है कहीं ना कहीं, ये निफ्टी का ओवाई अपन देख लेते हैं।
यह है 31 जनवरी के एक्सपायरी वाला, ठीक है। बट इससे पहले ओवाई अपन देखेंगे, उसके बाद चेंज इन ओवाई पर चलेंगे। तो टोटली आप यहाँ देख सकते हैं क्लोजिंग अपने को कहाँ मिली है। क्लोजिंग अपने को देखने को मिली है 45,320 के आसपास की क्लोजिंग अपने को दिख रही है, 45,320 के आसपास की। तो यहाँ पर देखिए 45,400 के आसपास एक अच्छा खासा कॉल राइटर्स ने अपना दबदबा जमा के रखा है, और पुट राइटर्स थोड़े कमजोर दिख रहे हैं अभी, ठीक है। और उसके बाद 45,500 के ऊपर भी कॉल राइटर्स बड़े ही अच्छी खासी पोजीशन बना के खड़े हैं, और नीचे देखा जाए तो 45,300 के पास हाँ बराबर है, ऐसा कोई खास सीन नहीं है वहाँ। सपोर्ट की बात करें तो वो दिख रहा है 45,000, कहाँ पर है ये सपोर्ट की बात कर लेते, कहाँ दिख रहा है ये अच्छा खासा सपोर्ट, 45,200 का एक अच्छा स्ट्रॉन्गली आपको सपोर्ट अभी देखने को मिल रहा है 45,200 के आसपास, और ऊपर देखा जाए तो 45,500 के आसपास। ये 300 पॉइंट की रेंज अच्छी रेंज है अभी आपके लिए ट्रेड ट्रेड करने लायक। इसके अंदर मार्केट अभी थोड़ा सा टाइम बिता सकता है, क्योंकि ओवाई जो यहाँ पर सीन बन रहा है 45,500 के ऊपर जाने नहीं देंगे मार्केट। कॉल राइटर्स यहाँ इस तरह से बैठे हुए, और 45,200 के नीचे भी थोड़ा मुश्किल दिख रहा है। 45,200 गया तो फिर डायरेक्ट 45,000 के पास मार्केट आपको दिखेगा, और 45,000 ही एक ऐसा सपोर्ट है उसको तोड़ने के बाद तो डायरेक्ट 500 पॉइंट की 44,500 तक की गिरावट आपको देखने को मिल सकती है, जो कि निफ्टी में बैंक निफ्टी में पॉसिबल है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है बैंक निफ्टी की देखा जाए तो। ये तो हो गया आपका ओवाई एनालिसिस, अब आते हैं चेंज इन ओवाई। चेंज इन ओवाई पूरे दिन का देखा जाए तो देख लेते पहले पूरे दिन में। तो सबसे पहले अपन देखते हैं 45,400 के ऊपर, 45,400 के ऊपर भी कॉल राइटर्स ही हावी है अभी, पुट राइटर्स बिल्कुल कमजोर दिख रहे हैं। यहाँ पर भी देखा जाए तो अच्छी खासी मतलब पुट राइटिंग हुई है कुल मिला के, 45,300 के ऊपर भी हुई है, 45,400 के ऊपर भी हुई है। उसके बाद 45,200 के ऊपर पुट राइटिंग हावी है, कॉल राइटर्स थोड़े कमजोर दिखे हैं यहाँ पर, तो वही सपोर्ट है 45,200 का, और रेजिस्टेंस है 45,400 और 45,500 वाला। ये तो हो गया फुल डे, बट अपन लास्ट के 15 मिनट का सीन देखते हैं। 15 मिनट में तो ऐसा कुछ खाली पोजीशन ही खाली हुई है, भरा ही नहीं है बिल्कुल भी, लगा नहीं है मतलब कुल मिला के 10 मिनट 5 मिनट ऐसा कुछ खास सीन हुआ नहीं है। तो आप समझ चुके होंगे थोड़ा निफ्टी अभी कंसोलिडेशन वाला, बैंक निफ्टी जो है कंसोलिडेशन एरिया में है अभी कुल मिला के, इसलिए पोजिशन बन नहीं पा रही है। हाँ, और निफ्टी थोड़ा अच्छा मूव कर रहा है, इसलिए निफ्टी में अच्छी पोजिशन आपको दिखी है, ठीक है। तो इस तरह का एनालिसिस वीडियो अपन डेली अपलोड करेंगे, यदि आपको इससे कुछ भी फायदा मिल रहा हो तो आप एक प्यारा सा कमेंट जरूर करिएगा, और आप चाहते हैं कि डेली आपके लिए ऐसी वीडियो आए तो आप जरूर कमेंट करके एक बार मोटिवेशन दिखाएं अपना हमारे लिए कि हाँ सर हम इस तरह की डेली वीडियो चाहते हैं, तो बिल्कुल आपके लिए डेली फिर इस तरह से वीडियो हम अपलोड करना स्टार्ट करें, और आप भी इसी के साथ सीखेंगे हमसे और हम भी आपसे कुछ सीखेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए इतना ही।